हाय गाइस, वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो प्लीज एल्विश आर्मी, हिम्मत बनाए रखिए। वैसे तो हिम्मत बहुत है एल्विश आर्मी में, बट कल थोड़ा सा आई नो मैं खुद दुखी हो गई थी एल्विश को, है ना। जिस हिसाब से बिहेवियर था मीडिया का एल्विश की तरफ, बहुत गुस्सा आ रहा था उन पे। सब पूरा मुंह में घुसती है वो तो मीडिया। निर्दोषी को भी है ना वो गुनहगार घोषित कर दे बिना किसी है ना एविडेंस के। बस उनको तो मसाला चाहिए। फिर अच्छा, लोग कमेंट कर रहे थे मीडिया वालों का पनीर बन गया होगा, आज पक्का बन गया होगा। सो एनीवेज गाइस, एल्विश ने पुलिस प्रैंक किया था अंकल पे। ये वाला वीडियो मैं पहले लेके लेकर के आ गई थी, तो उस पे ही आपने कमेंट करे थे कि सेम प्रैंक एल्विश ने आंटी पर भी करा है, तो उस पे भी रिएक्शन वीडियो लेके आओ। थोड़ा सा गैप हो गया, बट इट्स ओके। सो लेट्स सी गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेम दिन का अलग व्लॉग। है अभी पापा पे प्रैंक करके हम लोग हटे हैं, बट अब ना अब ये वाला मम्मी अगर देख लेती तो मम्मी हमारे जाल में नहीं फंसती। तो हम क्या कर रहे हैं, वो है प्रैंक डे। आज प्रैंक डे है हमारा। आज हम मम्मी पे भी प्रैंक कर रहे हैं सेम, कि एसीपी अभय सिंह बात करो। एसीपी मम्मी तो पहचान लेगी एसीपी अभय सिंह, क्योंकि वो यूज कर रहा है। कोई और एसीपी बना लेंगे। एसीपी इस बार डीएसपी बन जाता हूं, छोटी रैंक पे आ जाता हूं। डीसीपी भाई, डीसीपी, डीसीपी दिनेश, डीसीपी दिनेश चौटाला। ऐसे लग रहा है गोलगप्पे वाला है। बड़ी लंबी उम्र मेरी मम्मी की। शाम के लिए अपना खाना रख ले, मतलब उस खाने में से मैंने अपना खाना निकालना था शाम के लिए। अब तो देखना पड़ेगा, बचा नहीं बचा। ये तो खा गए होंगे बाल, कोई नहीं, बचा उठा लेंगे हम तो। मैं कह रहा हूँ मेरे कोई पोस्ट दे और मेरा नाम दे मुझे कुछ महंगा। पोस्ट इज डीसीपी, ठीक है, महंगा। यशवंत, यशवंत मम्मी के पास करो ना। मैं यशवंत खुराना वीडियो में स्टार्ट करती हूँ, मेरे बाल बिगड़ जाते हैं। बचाओ खुरान को, चला करो। यशवंत ना वो कर दे जो हमारा कमिश्नर था पहले, के रहा हूँ देख लो भाई। तो ना ना उन्होंने किरसन किरसन रख देते हैं, किरसन किरसन सिंह, किरसन किरसन यादव, किरसन यादव, एसीपी किरसन यादव बात कर रहा हूँ जी। ये एसीपी नहीं, डीसीपी, डीसीपी किरसन यादव जी, डीसीपी किरसन यादव बात कर रहा हूँ। और ईवी 0001 ऐसे इसको बड़ी पोस्ट ज्यादा पसंद आ रही है, ठीक है। अरे पहले यूं करते हैं कि लड़ाई झगड़ा करा इन्होंने और फिर बैरिकेड तोड़ के भागे, ऐड करेंगे दारू पी रखे दिन बालों ने, ठीक है ठीक है। मम्मी के साथ तो कुछ भी करता है, मजा आएगा। आंटी तो बाद में समझ ही जाएंगी। हाँ अभी मम्मी के पास भी फोन कर रहे हैं। यू आर बैक। अंकल के लिए कितना डर रहे थे, बाप रे। ये बात कर लेते हैं। हेलो जी, ये राम अवतार यादव जी के घर से बात हो रही है? हाँ जी, ये राम अवतार यादव जी के घर से बात हो रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ये कौन बात कर रहा है? आप कौन बात कर रहे? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ जी, पहले आप उधर से कौन बोल रहा है उसके बाद मैं अपना बताऊंगा। मैं उनके मिसेज बोल रही हूँ। हाँ जी, ये जो ट्रिपल क्या था ना, HR 26EV 0001, हाँ जी, ये जी आपकी गाड़ी है ये? हाँ जी। हाँ जी, इसको कौन चला रहा था कल? नहीं, आपकी गाड़ी है ना ये, तो रात को कितने बजे किरसन? एक पच्चीस पे जी, एक कौन चला रहा था इस गाड़ी को? मैं से पूछ के बताती हूँ, एक सेकंड रुको। नहीं 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 नहीं, मैं जी ये थाने से बात करूँ, सदर थाने से, डीसीपी। हाँ जी किरसन, किरसन, हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था जी, आपकी गाड़ी है ना ये, इसको चलाता कौन है? बिना रुमाल के क्या आवाज निकालता है इंग्लिश? पर साथ के भी चला लेते, क्या हो गया? ये तो होता ही है जी, इस गाड़ी की कंप्लेंट है हम पे। ये रात को 1:30 बजे ये थे गाड़ी में, तीन जने। अच्छा जी। इनने गाड़ी से पहले तो इनने हाथापाई मचाई पुलिस वालों के साथ और ऊपर से बैरिकेड तोड़ के भागे हैं, क्योंकि इनके पीछे से रिपोर्ट आ रही थी धोलाकुआ साइड से कि उन्होंने वहां पे एक्सीडेंट करा। ये तो इतना बोला था इंग्लिश की आवाज सेम ही लग रही है, आंटी पहचान नहीं ली। धोलाकुआ पे जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और आगे चल के इनने तोड़े बैरिकेड, वहाँ पे पुलिस वालों ने इनको रोकने की कोशिश करी, बट इनमें से एक जना भी नहीं रुका। ऊपर से हमने इनका पीछा भी करा, ये गाड़ी फरार हो गई है। अब इनका ये जिसके नाम पे गाड़ी है उसका ये फ़ोन नहीं मिल रहा है, ये उसका बिजी आता बार बार, तो मैंने ये सारे ये आपका निकाला है कहीं से। आवाज़ समझ गई होंगी आंटी, सेम लग रहा है। चलो आप एक मिनट रुकिए, मैं लड़के से बात करके बात करती हूँ, ठीक है? नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, क्या तो आपको लाइन पे लेना आता है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं आता। समझ गई आंटी, आंटी के बोलने से ही लग रहा है। गवार मम्मी मेरी।
अपने लड़के को जी बोलो कि क्या तुम तो मुझे फोन करेगा या फिर आप लाइन पे लो। वैसे मुझे तो नहीं आता पर मुझे एक बार बात तो करने दीजिए फिर मैं आपके पास बात करती हूँ। क्या वो रेंट के खिलाफ उठा लूंगा करता है? हाँ जी आप करिए जी। समझ में आ रहा था नहीं तो नहीं आ रहा था। अरे इसके क्या हो गया? अच्छा कैमरा खुल रहा है, उठ गया। हेलो कल कहाँ थे? मतलब कल रात को तुम कहाँ थे? रात को अपने घर होंगे ना। डेढ़ बजे थोड़ा हुआ एक्सीडेंट करके तुम निकले हो बैरिकेड तोड़ के। क्या बात कर रहे हो आप? ये ऐसा मार में थप्पड़ खींच के ये अखबार में आ गई क्या? अभी डीसीपी का फोन आया था मेरे पास, डीएसपी था वो, डीसीपी था कृष्ण कुमार। अच्छा जी कौन से थाने से? कौन से थाने से? हैं? थानू का तो थाने से बात कर रहा हूँ मैं। अरे कोई मजाक कर रहा होगा। खा मेरी कसम। कसम क्यों खाऊं मैं? अभी से यार तो सच सच बता दे, किसी की गाड़ी का तो एक्सीडेंट करके आया है। आप अच्छा एक अपनी बात बताना, आपको लगता है मैं किसी का एक्सीडेंट करूंगा? नहीं नहीं मैं अब तेरा पूछ रही हूँ ना, वो तो कह रहा है तो अपने लड़के से बात कराओ और उसका नंबर बिजी आ रहा है, फिर हमने आपका नंबर निकाला है। मैं नहीं कर रहा किसी से बात ऐसे, ठीक है ना? और मैं गाड़ी नहीं अभी यहाँ पे, गाड़ी ठीक होने गई है। और चक्कर डालो। अरे तो मैं करके आया हूँ तो क्या हो गया? अभी से एक बार थोड़ी सी ना गर्दन झुकाने सीख ले, तू क्या करता है? ओ हम तो ऐसे उड़ाएंगे पैसा, साढ़े दाब देंगे पैसे के नीचे। और बता क्या बकवास कर रहा हूँ? हाँ होगा एक्सीडेंट, फिर दुनिया के हुए एक्सीडेंट, सिर्फ दिमाग खराब कर रहे हो यार मम्मा आप तो। अरे अभी सुना तो फोन आया है तो उसको जवाब तो दूंगी ना मैं। अरे तो जवाब उसको फोन करके कह दो ना कि जा जोर है तो पकड़ के दिखा दे, ऐसे कह दो। अरे ऐसे डीएसपी मैंने अभी से सकर में कम कर ले। आपको लगता है मैं? अरे यार किस बात की अकड़, उसकी गाड़ी मारी है मैंने कोई? अरे किसी से तुम्हारी, उसकी तो कंप्लेंट आई है, किसी ने करी है तो कंप्लेंट आई है, मैं अपना आप उठ लूंगा। कंप्लेंट आई है फोन करके क्या? तेरा नंबर कैसे पहुंच गया उस डीएसपी पे? मेरे तो उसका नंबर, क्या नाम है उसका? कृष्ण कुमार। हाँ तो उसको फोन करो वापस, उसको फोन करो वापस और उस तनु कहो कि हम तो नू ही करेंगे, पाड़ लेके पाड़ है। तू पागल है क्या? जितना बोला जा रहा है मम्मा उतना कर दो। मैं सुना कहूँ क्यों मैं? अरे उड़गा आदमी उड़गा हम तय। फिर हाँ हाँ मैं लक्ष्य अर्चित, हाँ हम ही थे, हाँ भाई बैरिकेड पे भी लड़ाई हुई, वो भी बताई उसने। ये तो मुझे तो मम्मा आप खुद बना रहे हो सही में, उसको ये भी पता चल गई? अबे यार ये कैसे पुलिस वाले हैं, सिर पर चढ़ रहे हैं, इसका इलाज करता हूँ मेरे को ना। अब तू बता कहानी की। अरे कहानी हम आ रहे थे वहां से धोड़ाकुआ साइड से, दिल्ली से। अच्छा वहां पे ना पता कौन आ गया एकदम से, गाड़ी का आ गया वो टच हुआ साइड में उड़ के चला गया, हम आके चले गए। क्या हिट एंड रन का केस बना रहे हैं? मुझे नहीं पता उस कौन सी गाड़ी थी वो। फॉर्च्यूनर ही तो थी ना, दूसरी दूसरी गाड़ी थोड़ी थी, आदमी था। बदतमीज का है आदमी, आदमी मारेंगे तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। उसको पुलिस वाले को फोन करो और उसको बोलो कि जो होता हो ना कर ले, और नंबर दे दे मेरा और उसका नंबर दे क्या तो मेरे को। भाई अभिषेक तुझे ये नहीं पता तू बोल क्या रहा है इस टाइम? हम तो जी गांजा पी के ऐसे ही मगन रहे हैं, हमें ना पता हम क्या बोल रहे हैं। मैं तो कह रही तुझे ये नहीं पता कि
तो बोल क्या रहा है, इतना बदतमीज हो के इतना उड़ रहा है तू चार पैसे आपके के साथ, कि तू इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। यार मम्मा इंसान को इंसान तो सब तब समझेंगे ना। आंटी सीरियस हो गई थी। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। हां ये फोन काटो फिर दोबारा पुलिस वाला बनाया था अरेस्ट करने आ रहा हूं। एक सेकंड, इसका पासवर्ड तो लेके आ उससे। हेलो मैं अभी काम कर रहा हूं, आपसे बाद में बात करता हूं। ना ना मुझे जवाब क्यों देना है? उसको जवाब फोन करो उसको वापस, उसको फोन करके बोलो कि क्या कहते हैं क्या नाम था उसका, कृष्ण कुमार कह रहा कि कौन सा थाना है आप, ये वहीं आ रहा है। एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, वो इसी पे ही वो कर दे, मतलब बात करके कर दू छोटे, फिर अभी और बढ़ाऊ। बढ़ाओ भाई, यूं कहो ये फोन काटो। ये देखिए कुतिया ही हो है, असली असली कुतिया है। सुनो सुनो, बोल बोल, ये फोन काटो। मम्मी फोन काट रहा हूं मैं, फिर यहां से अरेस्ट करने आ रहा हूं। हेलो, मैं मेरे को दो मिनट दो, मैं अभी फोन कर रहा हूं। मैंने सुनी थारा रोड़ना बड़ा हुआ जी, करा मैं करूंगा डीसीपी कहूंगा कृष्ण कुमार लगवा लो पीएम तो अप्रोच। अरे भाई किशन कुमार था, यादव था, आंटी ने कुमार 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 एक दो। मम्मी का क्या, तो इसी में आ जाएगा या फिर मैं ही कर देता हूं। वैसे कट्टे इधर जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही जल्दी अरेस्ट करूंगा उनको वाला। हेलो, हां जी मैडम बात नहीं हुई तक। हाँ जी भाई, कौन से थाने से बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ जी सदर थाने से। सदर थाने, एक जिप्सी बेच चुका हूँ मैं, ये इसकी ट्रैक हुआ है यहाँ पे। कौन सा सेक्टर है ये, 75 76 क्या था ये 76 सेक्टर, ये एक्सटेंशन रोड यही है जी, इस टाइम वहीं की लोकेशन दिखा। हाँ जी, हाँ जी, क्या करके आए? आपको पिछले फोन पे मैंने बता तो दिया जी, ये आदमी उड़ा के आए हैं और ऊपर से पुलिस वालों के साथ बदतमीज, और बैरिकेड तोड़ना, इससे ऊपर क्या होगा? हेलो, क्या कही आपने अभी, आपने मेरे को गाली बकी अभी? पिछली बार वाली ना ही समझ में, डर गई थी भाई, इस बार मेरे मुंह से ना ही निकले हेलो। हाँ जी, अरे हम कुछ ना करे मोटे, प्रैंक कर रहे हैं यार, पापा के ऊपर तो कर दिया, तेरे ऊपर भी कर दिया, मेरा पूरा शरीर वो होगा। मोटो तो घनी टेंशन ले, अभी सोचो अंटी के ऊपर क्या बीतती होगी। अरे ओ मुझे हार्ट अटैक तो ना जाएगा तुझे, अब चक्कर आ गया पड़गी मैं। अरे इतना ज्यादा मत कर, ओवर एक्टिंग ठीक है, चक्कर आ गए। मैं कह रहा पापा के साथ करा हमने प्रैंक सेम, उसमें मैं एसीपी अभय सिंह था। अंटी की जान में जान आई, पापा के बोले पापा कर घर आ फिर बात करेंगे आराम से। नुकर घर आ फिर बात करेंगे आराम से, मगर टेंशन मतलब आपको लगता है मैं बंदा उड़ाऊंगा यार, ऐसे कर्म करेंगे मैंने? अरे बेटा ऐसा ना करना चाहिए, क्यों उड़ा रहा है, क्या ही रहा है, भगवान करे ऐसा तो कुछ हुआ ना जिंदगी। जब पहला वाला फोन आया आपसे, आपने सही में लग रहा था डीएसपी का फोन है। हां लग रहा को भाई, तो ओके डार्लिंग्स इट्स मी ओनली, ओके बाय, किस से कर दे फोन पे जल्दी। हां आंटी टेंशन में आ गई ना इसलिए। भाई देखो तुमने अब भाई पहचान गई मम्मी यार, मैंने जब कुछ ना बोले हेलो, आपने हेलो ने बसवा दिया, मेरे को समझ आ गई, मैं कहा आंटी पहचानी है, और आंटी सीधे कह रही हेलो जी, कह रही हां जी, आवाज नहीं आ रही आपने, तो ये कहता ये तू है, आंटी ने कैसे बोला, और किसी के साथ कर सके हम ये सीन भाई, को यार दोस्त पकड़ते यार उसका मार ले हड़े नो कहा ये मैं इसका एड्रेस देता हूं ना, कहां पक रखा है गाइस, इसने तो मुझे उड़ाया था एक बार। भाई बहुत अच्छा लगा मम्मी के साथ प्रैंक करके, बहुत अच्छा लगा पापा के साथ भी प्रैंक करके, बट अलग अलग दिन डालूंगा मैं, क्योंकि सेम दिन पे अगर मैं अगले दिन करता तो मम्मी को देख लेते, पता है मेरी मम्मी कितने ब्लॉग्स देखती है और पता लग जाता है, इसलिए मैंने सेम डे पे ही करा। तो कल तो पापा का आया होगा और आज होगा, पता तो फिर भी लग गई, पता तो फिर भी लगी गई, और किसी के बाद आज प्रैंक डे, किसी और के साथ कुछ करना है ऐसे वाला कुछ, डीसीपी एसपी इस बार वो बोल जाता हूँ मैं जी, वो बोल रहा हूँ क्राइम ब्रांच से ऐसा कुछ करते हैं भाई, कोई साइबर क्राइम का पकड़ो, कोई अपना इन्फ्लुएंसर दोस्त हो ना उसके ऊपर कर दो। हाँ चलो ठीक है,
हर्ष बेनीवाल पे खड़ते हैं। अननोन नंबर नहीं उठाया पर वो क्यों पता नहीं, कोई भी टीम वाला तो उठाएगा। करके देखूं करके देखूं वहां जी ये हर्ष बेनीवाल बात कर रहे हैं जी। इमरान से बोलूं? चलो भाई ये नेक्स्ट लोग, ये नेक्स्ट लोग है ठीक है, इसको कट कर दो गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। सो जिसने भी रिक्वेस्ट करी थी उनको थैंक यू बिकॉज़ बहुत अच्छा वीडियो था। एंड आंटी मुझे लग रहा था पहले में समझ जाएंगी पर आंटी नहीं समझी, बहुत अच्छे से एल्विश बखूबी निभाते यार, जो भी उनका कैरेक्टर होता है ना बहुत अच्छे से करते। एंड गाइस प्लेग्राउंड सीजन 4-3 वो नहीं पता बट आने वाला है, इतनी टीआरपी दी ना एल्विश ने प्लेग्राउंड वालों को कि फिर से प्लेग्राउंड आ रहा है, वो भी इतना जल्दी सिर्फ 3 महीने की गैप में। मजा आएगा हमको तो देखने में एल्विश को, पता नहीं बाकी के मेंटोर्स कौन होंगे, बाकी एल्विश तो फिक्स है मे बी अफकोर्स सॉरी। So yes guys, thank you so much for watching this video. If you like it, do like, share, comment and subscribe to my channel. Milte hain next reaction video mein. Negativity pe zyada dhyan mat dena please. So bye.